इसका नाम टाइगर होंगा है, ये पलुड़ी गांव का निवासी है। ये सन 2001 से नक्सल संगठन में शामिल था, 2011 से ये मिलिशिया कमांडर के पद पे था और 2013 में इसमें पहला मुकदमा कायम हुआ। इस पर कुल 17 मुकदमे कायम थे जिनमें 7 मामलों में ये वारंट इस पर जारी थे, शाही वारंट। इसमें ये मुख्य जो इसने घटनाएँ जो घटित की हैं, 2018 में CRPF पे जो IED अटैक हुआ था जिसमें हमारे नौजवान शहीद हुए थे उसमें भी ये शामिल था, और अभी लास्ट ईयर 13 तारीख को दिसंबर में एक आसाराम नाले पे भी IED अटैक हुआ था उसमें भी ये शामिल था। न केवल पुलिस फोर्सेस पे CRPF पे बल्कि ग्रामीणों के विरुद्ध भी ये 7 अपराधों में शामिल था, जिसमें इसने ग्रामीणों की हत्याएं करना, उनके साथ लूटपाट करना और उनको आम जीवन जीने से उनको रोकना, और नक्सल संगठन का भय व्याप्त करने के लिए ग्रामीणों के बीच में ये हिंसा और हत्या करता था। तो इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में पलोड़ी और किस्टाराम एरिया में इसने एक आतंक का पर्याय बना हुआ था पिछले 8 साल से। 2013 से इसको पुलिस की तलाश थी क्योंकि ये पहली बार उसमें मुकदमा तभी हुआ था। आज 8 साल के बाद हमको इसमें 8 साल से इसकी तलाश थी, उसको कामयाबी मिली है। इसकी गिरफ्तारी कल संयुक्त दल DRG किस्टाराम और अपना कोबरा 212 CRPF और सभी संयुक्त दल के द्वारा इसको पालोड़ी एरिया से किस्टाराम थाना क्षेत्र में आता है कांसाराम नाला उसी एरिया से इसको सूचना पे इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी इसके विरुद्ध जो है तेलंगाना में जो केसेस हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनाम के अतिरिक्त तेलंगाना में यदि इसका इनाम होगा तो उनको भी सूचित करके इसमें इसको अधिकतम से अधिकतम जो भी इसको कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कितने लाख का इनाम है? छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम घोषित है।